दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि एंटरटेनमेंट की कमी जियो सिनेमा पर कभी कम नहीं होगी, तो एक और रोडीज के जबरदस्त कंटेस्टेंट के साथ हम एक बार और आपके सामने आए हैं। जिस लड़के ने अपने गैंग लीडर्स की भी नहीं सुनी तो फिर वो दूसरे लीडर्स की तो क्या सुनता। वो लड़का अपनी शर्तों पर गेम को खेलना चाहता था। मुझे पता है आपको हिंट मिल गई होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने साथ दिग्विजय को। हाय दिग्विजय। हाय मनु भाई, कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ बिग प्लेजर कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ. बचपन में बिग बॉस देखते थे, तो देखते थे मनवीर और मनु भाई की फ्रेंडशिप. तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात करेंगे रोडीज के बारे में. आपने जो जबरदस्त आपने इंट्रो दिया है, इट रियली फील्स ग्रेट. डेफिनेटली तुमने काम ही ऐसे किए हैं शो के अंदर। एक एक कहीं ना कहीं मलाल रह जाता है अगर हम सीजन के बीच में जाते हैं, लेकिन अगर अपनी शर्तों पे खेल को खेलें तो फिर उसका तो मजा होता भी है। दिग्विजय, आई मस्ट से मैंने पूरे सीजन को फॉलो किया और कुछ लोग ऑडियंस की नजर में भी ऑफकोर्स अपना एक बेंचमार्क छोड़ के जा रहे थे, अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जा रहे थे। तुम उनमें से हो दिग्विजय। मेरे साथ साथ जियो सिनेमा की और बहुत सारी ऑडियंस जो हमसे रोज कनेक्ट हो रही है वो जानना चाहती होगी आपसे, कौन है दिग्विजय, कहां से आता है दिग्विजय, सबसे पहले ये बताओ। दिग्विजय बेसिकली हरियाणा से है, बट सिटीज मैंने काफी चेंज की है. पहले मैं गुड़गांव था, फिर मैं काफी टाइम से चंडीगढ़ में था, बट अभी मैं पिछले 1.5 साल से मुंबई में था. वहाँ स्ट्रगल कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था, ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ मैं, तो ट्रेनिंग दे रहा था लोगों को, और साथ ही कुछ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग और इधर उधर से, छोटी मोटी चीजों से पैसे कमाने का रहता था. बट स्टार्टिंग से एक मन में गोल था कि रियलिटी शो में जाना है. आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ी हटके, एंड वो लोगों को देखने में पसंद आई. एंड फेम वगैरह किसको प्यारा नहीं होता, तो उस वजह से मैंने ये चूज कर रखा था पाथ कि मैं रोडीज में जाऊंगा 3-4 साल बाद, और फाड़ गया हूँ. वेरी गुड। सो ये कह सकते हैं कि मतलब अगर हम चाहे छोटी गलियों से आते हो और अपनी अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिग्विजय हमारे सामने है उसके लिए। मुझे एक बात बताओ दिग्विजय, ये सबसे अलग चलना स्ट्रैटेजी होती है या फिर तुम ऐसे हो, इस बारे में क्या बोलोगे? नहीं, मैं जो मेरे क्लोज वंस हैं वो तो जानती हैं कि मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में भी. काफी बार फ्रेंड सर्कल में भी नॉर्मली लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ऐसे अलग स्टैंड होता है, मैं कुछ अलग बोल रहा होता हूँ, और उस वजह से दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है. बट जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे समझते हैं कि मैं वो चीज क्यों बोल रहा हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, तो उससे फ्रेंडशिप के बीच में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती. बट एक जो अलग सोच और वो होती है, वो मेरे घर में भी हो जाती है. इनफैक्ट कभी मम्मी से कभी पापा से कि मेरे को ये चीज नहीं ठीक लग रही, तो नहीं ठीक लग रही तो मैं बोल देता हूँ. मैंने कुछ फिल्म्स देखी है उनके अंदर, नाना पाटेकर का कुछ, नाना पाटेकर साहब का कुछ ऐसा अलग सा स्टैंड होता है कि लोग मुझे समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे, पर मैं ऐसा हूं। सुदीप मिर्जा, जर्नी की कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करो, हालांकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल मेरे पास तुमसे पूछने को है, पर कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करो जो मोमेंट तुम्हें लग रहा है कि ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। नहीं, ऑनेस्टली एक मोमेंट नहीं है, काफी है, बट बाद में आके मैंने बाहर आके जो रियलाइज किया, वो वाला मोमेंट था. फर्स्ट एपिसोड में ही प्रिंस भाई आगे बढ़ के आए और बोला कि भाई तेरे को वो वाला सीजन याद है, प्रियांक वाला, उस लड़के ने इज्जत कमाई थी ये बोलने पे, तो तू इज्जत कमाएगा. तो ये वाली बात मेरे को बहुत ज्यादा खर कर गई. उस टाइम मेरे को उतना पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बात है, बट बाद में जब मैंने टीवी पे देखी, एंड मैं मेरी जो लाइफ के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, या फिर लोगों की रिस्पेक्ट. तो आई फील जब वो प्रिंस भाई ने बात बोली और मैं अपनी गैंग में ही, अपनी टीम के अगेंस्ट जाके हमारी दूसरी टीम के लिए मैंने कुछ स्टैंड लिया कि नहीं, हमने टास्क कंप्लीट ही नहीं किया है, और प्रिंस भाई ने आगे बढ़ के बोला कि भाई तू इज्जत कमाएगा लाइफ में, तो वो बात आई गेस बहुत ज्यादा मेरे को याद रहेगी, एंड वो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए. अच्छा, प्रिंस को लेकर क्या सीन है, कोई क्रश वश है तुम्हारा? तुम मतलब थोड़ा सा प्रिंस की तरफ बहुत डाइवर्टेड से पूरे सीजन में भी दिख रहे थे, क्या सीन है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली एडमायर करते हैं, इतने टाइम से रोडीज देख रहे हैं, 6-7 साल से मैं रोडीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, हर एक सीजन देखा, एंड खुद जाना था तो एक इस बार एक प्रिंस भाई पुराने थे जो पहले से थे, बाकी सब तो नए लोग थे, रिया मैम हो गए, गौतम सर. तो ऑडिशन में भी मेरे पास चांस था प्रिंस भाई की गैंग में जाने का, बट मैंने चूज नहीं किया. उस टाइम मैं अपना माइंड यूज कर रहा था, हार्ट से ज्यादा मैंने माइंड यूज किया कि मे भी हो सकता है मैं प्रिंस गैंग चूज करूँ तो मैं जर्नी पे ना ही जाऊँ. अगर इतना ही प्यार होता तो उस दिन भी मैं अड़ जाता ना, तो ऐसा कुछ नहीं था. एंड इनफैक्ट मैंने तो गौतम सर का स्टैंड लिया था, लोगों ने काफी मिसअंडरस्टैंड किया मुझे, एंड गौतम सर ने भी मिसअंडरस्टैंड किया मुझे शो में ना, जो मेरे को फील हुआ कि मैं उनका स्टैंड ले रहा था सिंगल हैंडेडली. प्रिंस भाई तो हमारे टेंट में आए थे, उन्होंने बोला था कि
आठ नंबर है रिया की गैंग में, आठ लोग बचे हुए हैं, तो उनमें से किसी को उड़ा दो और बराबर बराबर करके खेलो। बट हमने पहले वर्ड दिया हुआ था और गौतम भाई ने वर्ड दिया हुआ था, तो तब तो मैं प्रिंस भाई के अगेंस्ट गया हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे क्रश वगैरह थे। बट हाँ ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, एडमायर करता हूँ मैं, उन्होंने इतने रियलिटी शोज जीते हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे ना जर्नी पे। और लोग कहते हैं कि जब भी वो आते थे मैं उनसे मिलने चले जाता था, आसपास घूम रहा होता था, तो वो एक रीजन था कि भाई इतने टाइम से तुम किसी इंसान को देख रहे हो और वो तुम्हारे आसपास है, तो तुम जितनी उससे नॉलेज गेन करना चाहोगे या जितना उनका एक्सपीरियंस लेना चाहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो मेरा ये मोटिव रहता था। नहीं, बट देखो ये शो ऐसा है कि जब हम इसको देख रहे होते हैं, गैंग्स बन गई हैं, आपने अपनी एक गैंग चूज कर ली है, बाय डिफॉल्ट तुम एक गैंग के अंदर हो, तो फिर हमारी लॉयलिटी, हमारा गेम उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। बट तुम्हारा बहुत जर्नी के अंदर ऐसे लगता था कि एक सीन ऐसा भी आया था कि जब तुम्हें प्रेम स्पेशली और बाकी सारे लोग कह रहे थे कि देखो इसको अपने टेंट से निकाल दिया, अपनी गैंग से बाहर निकला हुआ है, तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी तुम्हारे साथ स्पेशली? मेरे को नहीं लगता कि मैं गैंग के अगेंस्ट गया था कभी। पहली बात तो गैंग के अगेंस्ट सबसे बड़ा पॉइंट होता है वोट डालना। आप छह लोग हो या आठ लोग हो, तो छह के छह वोट एक जगह डालने चाहिए, तो हमारे कभी वोट इधर से उधर गए नहीं है, चाहे मैंने अपना स्टैंड लेके बाकी लोगों का चेंज कराया हो या फिर बाकी लोगों की वजह से कभी मेरा चेंज हुआ। वैसे वैसे हुआ नहीं, बट मेरी वजह से और लोगों का वोट चेंज हुआ और हमने छह के छह वोट एक जगह डाले हैं। बट इन दी एंड तो आप एज अ पर्सनल जा रहे हो ना वहां पे कि दिग्विजय कौन है या फिर एक पर्सनालिटी कौन है, तो मेरे को जो पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, अगर मुझे अपनी गैंग में भी कोई इंसान गलत लगेगा तो मैं उसके अगेंस्ट स्टैंड ले लूंगा, सिंपल एज दैट। बट हमारे वोट्स कभी इधर उधर नहीं गए, गेम तो इन द एंड वोटिंग पे आके मैटर करता है ना। जरूरी नहीं है ना कि अगर कोई सात वाले पांच लोग गलत का स्टैंड ले रहे हो तो आप भी गलत का स्टैंड ले लो, तो वो मैं नहीं कर सकता था। और वहीं रिया गैंग जो यूनिटी यूनिटी करती है, जहां लोग अपना स्टैंड भी नहीं ले पाते थे, यूनिटी बोलते थे। पिछले दो वोट आउट देखो आप, मेरा वाला वोट आउट भी, उससे पिछला वोट आउट भी, उसमें वो आपस के गैंग में यूनिटी यूनिटी करने के बावजूद उनके वोट्स एक जगह पे नहीं डले, तो वो लोग गैंग के नहीं हुए ना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि गेम में तो सबसे इंपॉर्टेंट वोट्स हैं। तो आई डोंट फील कि मैं इतना गैंग के अगेंस्ट गया था, इट वॉज जस्ट दैट कि मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होता था हर एक चीज को लेके एंड उस चीज से लोग अग्री नहीं करते थे। इतने सारे लोगों को ऐसा लगने लग जाना कि तुम अपनी गैंग के साथ नहीं हो, गैंग लीडर को भी लगना कि तुम गैंग के साथ नहीं हो, तो वो मोमेंट फेस करने में कैसा होता है? बिकॉज मैं देख रहा था कि यहाँ पर सब लोग तुमसे कह रहे थे, तुम एक चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रख करके हर चीज को, हर एलिगेशन को सुन रहे थे, और ये कह रहे थे कि मेरा तरीका है ऐसे खेलने का, मेरा स्टैंड है, मैं गलत को नहीं देख सकता। इनफैक्ट एक ऐसा सीन भी था जहां पर प्रिंस ये कह रहा था, प्रिंस की टीम वाले अभी कुछ बोलते, इससे पहले तुमने प्रिंस की गैंग का साथ देते हुए बोला, हाँ मैंने भी देखा ये चीज, ऐसा हुआ इंसिडेंस, तो हाँ ये हाँ क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी उस समय बोलने की? क्या सही को प्रूव करने के लिए अपनी गैंग के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो जाना चाहिए? ऐसा क्या था वो रीजन? नहीं, मेरे हिसाब से वो बहुत स्पॉन्टेनियस था। उस टाइम क्या हुआ कि मैंने भी रियलाइज कर लिया था कि इन द एंड जब तक वो ऊपर पहुंची वो उसने जो रूल था वो ब्रेक कर दिया था, तो उसमें प्रिंस भाई बोलते हैं कि भाई उसने फट्टों पे नहीं रखा। तो उस टाइम अगर आप मेरी वॉइस सुनेंगे ना तो बहुत सैड वॉइस थी कि भाई हम ये वाला राउंड भी शायद हार जाएंगे इस फाउल की वजह से। प्रिंस भाई ने बोला कि इसने फट्टो पे नहीं रखा, तो मैंने बोला था, मैं कहा हाँ सर उसने नहीं रखा बड़ी नॉर्मल पेस में, और जो कि नहीं रखा था। अब वहां पे आप चीटिंग कर ही नहीं सकते, रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, गैंग लीडर्स हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, तो कोई ना कोई तो बोल ही देगा। तो वहां वो बहुत स्पॉन्टेनियस था, वो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ अच्छा बन जाऊंगा, और मुझे तो लगा भी नहीं था कि भाई वो कट वगैरह में लगेगा, क्योंकि वो बहुत ब्लर शॉट लगा हुआ है। अगर आपने ध्यान से देखा हो एपिसोड में, बहुत ब्लर शॉट है, सिर्फ मेरी वॉइस आ रही है माइक से, वो पता भी नहीं लग रहा है कि भाई दिग्विजय बोल रहा है कौन बोल रहा है, वॉइस की वजह से पता लग रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है, दिख नहीं। रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तुम लास्ट कॉर्नर की तरफ अकेले खड़े थे हाँ 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 और हाँ तुमने नहीं बोला वही, है, वो दिख रहा है फुटेज में, तो क्लियर दिख हाँ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई ये मतलब शॉट जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, मेरे को नहीं पता था इतनी बारीक चीजें भी ये लोग पकड़ लेते हैं। तो वो नॉर्मली स्पॉन्टेनियस मेरी रियलिटी वहां निकली और मैंने बोल दिया कि भाई उसने नहीं रखा, तो यार नहीं रखा, डिफीट को एक्सेप्ट करो। और वही तो इससे इससे थोड़ी सी गैंग लॉयलिटी क्वेश्चनेबल नहीं हो जाती है? मैं मानता हूं कई जगह पर हमें सच बोलना होता है, सही बोलना होता है, पर पब्लिक को, एक जो पब्लिक शो देख रही है, उनका सारा फोकस कहीं और जा रहा है। अगर वो आपकी गैंग के लिए खेल रही है, फॉर एग्जांपल देख रही है टीवी को, तो उनका कहीं और जा रहा है सोच, और तुम एकदम से ही कैमरा अपनी तरफ पैन कर देते हो। उस बारे में मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि अगर तुम कोई क्लियरिफिकेशन भी देना चाह रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो ब्लर थी क्लिप, छोटी क्लिप थी, तो वो बताओ डिटेल। हाँ क्लिप से मतलब नहीं है वो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि उस टाइम मेरा इतना माइंड चला नहीं कि मैं गैंग के लिए ये बोलूँ या वो बोलूँ, क्योंकि मेरे को पता था ये फाउल है, ये पता लग जाएगा, ये पता लग ही जाएगा कैसे ना कैसे, या फिर प्रिंस भाई स्टैंड ले लेंगे, वो इतना टाइम से शो कर रहे हैं, वो पागल तो है नहीं ऐसे ही कोई रूल के अगेंस्ट बोल रहे, तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस वजह से मेरे बोलने ना बोलने से वहां पे फर्क भी नहीं पड़ता था।
बट वही, बल्कि जब फर्स्ट टास्क था वहां मैंने बोल रहा था कि वो लाइन के आगे लेके ही नहीं आया, तो वहां मेरे को लगता था कि डिसीजन में फर्क पड़ेगा, लेकिन वहां डिफरेंस क्या था, गैंग के आपस में ही टास्क हो रहे थे। लाइक 10 लोगों की गैंग थी, 5 लोग यहाँ थे, 5 लोग यहाँ थे, तो गैंग तो एक ही थी। तो उस टाइम तो मेरी मेरे को भी डर लग रहा था कि भाई पराक्रम तो सेव है, हम 4 लोग हार जाएंगे और उनमें से 2 घर जा सकते हैं। मैं भी उस दिन घर जा सकता था, जब मैंने अपनी परवाह नहीं की तो फिर बाद में तो गैंग का मैंने उतना कुछ सोचा नहीं। अच्छा, उस टास्क के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस फुटेज पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टास्क में तुम जा चुके थे या फिर तुम बाद में जाने वाले थे? नहीं, मैं जा चुका था और तो इससे मेरा ऐसा टास्क नहीं कम। लगता कि उसमें तुम जा रहे थे और वहां पर तुम्हारे हाथ से वो मटकी बॉम्ब जो बनाया हुआ था वो ड्रॉप हो गया था और तुमने ये चीज बोली? ऐसा भी तो ले सकती है ऑडियंस। नहीं, ऑडियंस ले सकती है बिल्कुल, ऑडियंस को जो ठीक हाँ लगे वो तो वैसे हाँ एक्सेप्ट हाँ करेंगे, बट नहीं, मैं भी उसमें तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने भी घर बैठ करके इस चीज को ऐसे रियलाइज किया, तभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से ये चीज जा सकती है? हाँ जा सकती है बिल्कुल, गई भी होगी, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बट मोस्टली मोस्टली लाइक 90% कमेंट्स मुझे पॉजिटिव ही आए हैं। और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि भाई जब एपिसोड एयर होगा और जब ये चीजें बाहर आएंगी तो ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी। इट वॉज जस्ट दैट कि मेरे को जो ठीक लग रहा था मैं वहां पे कर रहा था, एंड उसी वजह से शायद इतना ज्यादा प्यार मिला। और जो मटकी वाली बात रही मेरी, जो मटकी फट गई थी, मतलब वो मेरे हाथ से ऐसे ड्रॉप नहीं हुई थी, मैंने उसे ऊपर से पकड़ा था एंड ऊपर वाला पार्ट मेरे हाथ में रह गया था एंड बॉम्ब नीचे से ड्रॉप हो गया था, वो फट गया था। तो लाइक मेरी गैंग ने मेरी तो ये गैंग मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है कि गौतम सर ने तुम्हें जानबूझ के ऐसी मटकी दी थी, नहीं ऐसा नहीं कह नहीं रहे नहीं 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 आई डोंट फील सो। मतलब वहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वहां पे मेरी गैंग ने स्टैंड लिया था कि कोई मैन्युफैक्चर मैल फंक्शन है, इस वजह से इसका बॉम्ब टूट टूट गया। तो वहां पे मैंने बोला था, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, ढीला था या जो भी था, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था एंड मेरे को बॉम्ब नीचे से कैरी करना चाहिए था, तो मैं किसी और के ऊपर नहीं डालता अगर मैं हार जाता हूँ। तो ऐसा ही मेरे को लगता है कि पीयू को करना चाहिए था कि भाई अगर उससे रूल फॉलो नहीं हुआ, और जो कि रूल 3-4 बार बताया गया था, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भाई हाँ गलती हुई एंड आगे मूव ऑन करना चाहिए था, ना कि मेरे ऊपर चढ़ जाए वो। मैं एक चीज देखता था एपिसोड्स में, तुम जब तक थे, बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था तुम्हारे लिए कि तुम अपनी गैंग के लिए लॉयल नहीं हो रहे हो, या वोट आउट्स में वैसे हेल्प नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हारी फ्रेंडशिप्स जो है वो शायद इतनी स्टिक और लॉयल नहीं है। ये सारे इतने सारे एलिगेशंस लगते हुए भी तुम्हारे चेहरे पे एक हंसी होती थी, तो उसके पीछे का जो दिग्विजय है वो क्या सोचता था उस समय जब ये सब लोग ये कर रहे होते थे? नहीं, ऑब्वियसली कभी कभी मन में रात को है ना डाउट आता था कि भाई यार इतने सारे लोग अगेंस्ट बोल रहे, कहीं मैं इतना गलत तो नहीं जा रहा, मैं इतना गलत तो नहीं कर रहा। बट इन द एंड मुझे लगता था कि भाई ठीक है, जो मेरे मन में है ना मैं वो करके जाऊंगा, चाहे बाहर जाके मुझे लोग गालियां दे, चाहे जो कुछ भी बोले, मेरे को जो ठीक लगेगा ना मैं वही करूंगा वहां पे। और अपने गैंग लीडर को लेके मैं काफी लॉयल था, हमारे 5ों गैंग मेंबर्स लॉयल ही नहीं थे, अपने गैंग लीडर को लेके अगर लॉयल नहीं हो तो तुम दोस्तों को लेके गेम में कैसे लॉयल हो सकते हो। गैंग लीडर जिसको तुम पीआई में वादे करके आए हो कि भाई हम सर साथ देंगे, पराक्रम ने बोला हुआ है हम लॉयल रहेंगे, वही 5ों मेरे वोट आउट से पिछले वोट आउट में रिया गैंग के अंदर वोट डालने को रेडी थे, जस्ट बिकॉज प्रिंस भाई ने आके उन्हें समझाया था। और वो लोगों में मिसकंसेप्शन हो रही है कि मैं प्रिंस भाई की बातों में आया था, मैं ऑब्वियसली उनकी अच्छी बातें एब्जॉर्ब कर लेता था, बट हिमांशु वगैरह जैसे ये सब बातों में आ गए थे प्रिंस भाई की। उन्होंने बोला था कि भाई 6 लोग यहाँ हैं, 8 लोग वहाँ हैं, 8 में से उड़ाओ तभी गेम बैलेंस रहेगी, और उनकी बात ठीक थी। बट वही गौतम सर का वर्ड था, गौतम भाई ने बोला होता कि हम रिया गैंग के साथ ही अगले वोट आउट में वोट करेंगे, और इन्होंने अग्री किया होता, और इन्होंने खुद ही भी अपनी जबान दी हुई थी कि भाई हाँ ठीक है हम रिया गैंग से किसी को नहीं उड़ाएंगे, प्रिंस गैंग से उड़ाएंगे। तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते, जब ये लोग अपने गैंग लीडर के ही लॉयल नहीं है तो आपस में दोस्तों में कैसे लॉयल हो सकते हैं। और मेरे कुछ स्टार्टिंग में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, ये पीयू, हिमांशु, पल्लवी, पराक्रम, ठीक बनती थी मेरी इन लोगों से, बाकी मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे फर्स्ट वोट आउट से टारगेट कर रहे थे। बट एक टाइम आया था जब कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई थी, तो फिर इन्होंने काफी अब मेरे को लगता है अपना असली रूप इन्होंने दिखाया था, एंड उसके बाद आई वाज लाइक कोई किसी का दोस्त नहीं आया, अपने हिसाब से चलो जो ठीक लगे वो करो। अच्छा, कहीं पर जब तुम जा रहे थे शो छोड़ के, तब तुमने ये वर्ड्स बोले थे कि जो मैं करना चाहता था, जैसे मैं खेलना चाहता था, जब मैं जहां पर बोलना चाहता था मुझे वहां पर बोलने नहीं दिया गया और आपने मुझे बहुत रोका और आज मैं बाहर जा रहा हूं, इस बारे में बेसिकली जब एग्जिट हो रही थी तो क्या बैगेज लेकर के जा रहे थे या क्या था कि किस वजह से तुम बाहर हो गए? नहीं, वैसे मैं काफी जगह अपना पॉइंट रख देता था, मतलब थोड़ा गट्सी होके, बट फिर भी 30-40% ऑफ द टाइम्स ऐसा सीन था कि गौतम भाई है ना मतलब चुप करा देते थे कि कोई नहीं काम डाउन दिग्विजय। एक बार तो उन्होंने ये भी बोला कि दिग्विजय यू आर माई फेवरेट, मैंने हैंड रेस किया, मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तो सर बोलने दो। तो ही वॉज लाइक कि हाँ हाँ
काम डाउन दिग्विजय। और एक बार तो क्लियरली उन्होंने बोला, दिग्विजय यू आर माई फेवरेट बट डोंट एक्ट लाइक अ स्टूपिड पर्सन। तो मेरे को समझ नहीं आता कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, उससे मैं स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? मतलब बोलने ही नहीं दे रहे हो मेरे पॉइंट, अगर बाहर ही नहीं आएंगे मेरे अंदर से तो लोगों को कैसे पता लगेगा दिग्विजय क्या सोच रहा है? तो इस वजह True. से मेरे को कहीं ना कहीं मन में मलाल था कि यार, एक बार तो ऐसा था वोट आउट में, लाइक 5-10 मिनट में ही 3 बार हैंड रेज हुआ है मेरा, और उनका ही सपोर्ट लेने वाला था मैं गौतम सर का, एंड उन्होंने 3 बार कॉन्टिन्यूस, तो फिर वो बुरा लगता था कई बार बाद में जाके ना। तो हमने मतलब मैं एज अ ऑडियंस, जियो सिनेमा ऑडियंस की तरह से देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि प्रिंस आपकी गैंग में आते हैं और प्रिंस आपको आकर के कहते हैं कि आप लोग शाइन करो, आपका शो है, आप बोलो, आपको बिल्कुल अगर रोका जाता है रुको मत। और उसके बाद मैं देखता हूँ दिग्विजय आता है और बोलता है और वही वर्ड्स ऑलमोस्ट रिपीट करता है। तो ये एक ऐसा नहीं कि हाँ किसी और गैंग लीडर ने आके इन्फ्लुएंस किया तुमको और तुम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, और जो कि रिया और गौतम लगातार बोलते भी रहते हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, किसी और की बातों में मत आओ। क्या कहोगे इस पर? नहीं, मेरे को लगता है कि प्रिंस भाई ने शो परस्पेक्टिव से हमें बहुत अच्छी बातें बताई थी कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, जो आपको ठीक लगता है वो बोलो। और उन्होंने साथ साथ इन्फ्लुएंस किस चीज में करने की कोशिश की थी कि भाई हमारी मेरी गैंग से कोई बंदा ना उड़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी गैंग लीडर है और वो भी खुल के खेलना चाहते हैं। True. वो अगर मैं उनके उस चीज में इन्फ्लुएंस हो जाता, जो कि 5 लोग हुए थे जो कि दूसरी गैंग से वोट आउट करना चाह रहे थे और प्रिंस गैंग को बचाना चाह रहे थे, तो मैं मानता कि मैं इन्फ्लुएंस हो गया। बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छी चीजों को लेकर उनसे इन्फ्लुएंस हो गया कि चौड़े में खेल के खेलो और मुंह पे बोल के खेलो, जबान पे रहो अपनी, जो किसी को वर्ड दिया तो उस पे रहो। तो मेरे को लगता है मैंने अच्छी बातें पिक की और बाकी उन्हें शायद बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो गए उनसे, तभी वो उस दिन उस वोट आउट में रिया गैंग से किसी को उड़ाने वाले थे। गौतम के बारे में बताओ, एज अ गैंग लीडर तुम उन्हें देख रहे हो, साथ रह रहे हो सपोर्टिवली और नॉन सपोर्टिवली, चांस दे रहे थे नहीं दे रहे थे, क्या कहना चाहते हो गौतम के गेम के बारे में अल्टीमेटली, और टीम हैंडलिंग के बारे में? बहुत वाइब वाले बंदे थे, मतलब मजा आता था उनसे ना बात करके कि भाई चिल है एक इंसान और उससे किसी भी टाइप की तुम बात बात कर सकते हो। बट रोडीज के अकॉर्डिंग आई फेल्ट कहीं ना कहीं उनको गेम समझने में काफी प्रॉब्लम हुई, एटलीस्ट मैं जब तक था, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि टास्क वगैरह में भी और चीजों में भी उनको अपने रोडियम्स ही नहीं याद होते थे कि उनके पास कितने रोडियम्स है। नहीं फैक्ट है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि पीआई में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, और शायद वो ना सपोर्ट करते तो मैं शायद जर्नी पे भी ना होता हूँ, तो इस चीज को लेके मैं थैंकफुल हूँ। तो वही बात है, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो उनको अगर अपने रोडियम से याद नहीं है गेम में कि भाई किस किस को सेव करना है और कौन कौन उन्हें आगे जाके हेल्प कर सकता है, ऐसा अब तो हो उन्होंने जाता है कभी कभी, कभी हो जाता है हमें, कोई चीजें याद रहती है नहीं नहीं रहती। नहीं वो नहीं मैंने नहीं भी देखा था सीन में, दो तीन बार हम हो लोग गया ना, हाथ खड़ा करके खुश हो गए थे कि अपन जीतने वाले, और बाद में पता चला दो तीन चार बार रोडियम्स हो का चुका है, नहीं। दो तीन बार हो चुका है, तो वो गेम में उतना इन्वॉल्व नहीं रहते थे आई फील, देखो वो एंड भी सो तो मतलब वो भी सीख रहे हैं, साथ साथ लर्न हाँ कर रहे हैं, और वो खुद जब अपनी लाइफ में, गौतम खुद कम बात कर रहा है आप लोगों से, कम बोलता है और एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, तो शायद वो आप लोगों को भी इसीलिए कम बोलने को कह रहे हो। क्या कहोगे इस पर? नहीं, मेरे को लगता है, हाँ मेरे को लगता है उनका जो इंटेंशन था ना वो बहुत पॉजिटिव था कि भाई ये कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दें, या फिर इनको शांत रह के सिर्फ टास्क परफॉर्म करना चाहिए और वैसे करना चाहिए। मेरे को लगता है उस पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल ठीक थे कि भाई मैं अपने जो मेरी टीम मेंबर है उनको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना चाहता हूँ और बहुत ऐसे कम बोलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसा वाला रखना चाहता हूँ, बट आई डोंट फील कि हर एक वैसे उस तरीके से उस चीज को देखता है। और रोडीज में सिर्फ टास्क नहीं होते, आपको बोलना भी पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी पड़ती है। ट्रू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वहां पर ऐसा कौन प्लेयर था जब तक तुम थे कि वो अननेसेसरली फाइट्स पिकअप करने की ट्राई कर रहा हो कि कंटेंट मिल जाए या फुटेज मिल जाए, ऐसा कौन प्लेयर था? डेफिनेटली श्वेत, ऐसे और भी लोग, एक दो पर और श्वेत को लोग देख के तो थे। लगता नहीं कि वो मतलब अननेसेसरली पिकअप करना चाहता। कोई एक इंसिडेंस बताओ जैसे कि। श्वेत नहीं, जैसे वोट आउट, अब पिछले वाला वोट आउट था, फर्स्ट वोट आउट की बात करते हैं, एकदम फर्स्ट की मेरी उससे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बातचीत हुई है। मैं वोट आउट में पहुंच जाऊं, इनफैक्ट सचिन भी, उससे मेरी अच्छी बातचीत हुई है, सब ओके है, ऐसे है, ठीक है, वोट आउट करना है अलग बात है, बट एक नॉर्मल अच्छा बॉन्ड है, ऐसे कोई ग्रज नहीं है, फर्स्ट एक दो दिन नहीं हुए हैं, किसी से भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मैं वोट आउट में जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे ऊपर ही बैश करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से श्वेत बोलता आगे से लेफ्ट और राइट बाहर, मैं कहा भाई क्या बोल रहा है, अभी तो नॉर्मली मेरे से अच्छे से बात कर रहा था, वोट आउट करना है करते भाई, लेकिन तू ये बात किस तरीके से कर रहा है कि भाई एकदम से तू पीछे ही पड़ जाएगा।
और वैसे ही सचिन वहां पीछे मुझे कह रहा है कि भाई मैं तेरे साथ ही वोट डालूंगा, कोई नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वोट आउट में जाते ही एकदम से ये लोग स्विच हो गए, जैसे ही कैमराज वगैरह लगे तो ये लोग एकदम से बैश करने लग गए कि भाई दिग्विजय ये। वहां पे मैंने असली रूप देखे थे इन लोगों के कि भाई थोड़ी सी फुटेज के लिए लोग कितना चेंज हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब शिवित के बारे में ये कहना चाहते हो कि वो अटेंशन लेने की कोशिश करता था कि कहीं से भी थोड़ा फुटेज मिले। देखो, बिल्कुल अब एक और जो चीज इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिली, प्यार बहुत सारा था, तुम्हारा मुकम्मल नहीं हो पाया, वो क्या था, कैसा था मतलब? नहीं, स्टार्टिंग में जब आकृति आई थी तो मैं बहुत गेम पर्सपेक्टिव से देख रहा था। लोग कहते हैं ना मैं गैंग की नहीं सोच रहा था, तो उस टाइम हमारी गैंग में सिर्फ दो ही लड़कियां थी और चार लड़के थे, सबसे कम लोग हमारी गैंग में थे, बाकियों में ज्यादा थे। तो चार लोग और दो, छह लोग में से दो दो वो लड़कियां थी, सिर्फ दो लड़कियां थी, बाकियों में तीन चार चार ऐसे थी। तो मैं चाहता था कि भाई एक स्ट्रांग बंदी आए। मैं ली से भी जाके बात की, मैं आकृति से भी जाके बात की, तो मेरे को आकृति पर्सनली काफी स्ट्रांग लगी कि भाई हाँ ये बंदी अगर हमारी गैंग में आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। तो वो थोड़ा बॉन्ड वहां से बनता गया बनता गया, एंड फिर ये प्रिंस सर सोनू सर वगैरह छेड़ते रहते थे, एंड मैं भी पर्सनली उससे बात वगैरह करता था। बट बाद में कहीं ना कहीं हुआ मुझे कि भाई ये गेम है, गेम खेलने आए हैं हम, गेम खेलते हैं, ये चीज बाहर देखेंगे। ओके तो मतलब जो मुझे दिख रहा था कि वो हाँ सामने सामने तुम्हारे सचिन की तरफ जा रही थी, सचिन और उनका बनता जा रहा था, तुम हंस के हर चीज को टाल देते थे, तो हाँ मतलब बहुत जल्दी चीजों को छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो कि हाँ जो हो रहा है वो होने दो, हंसो खुश रहो। नहीं नहीं गिव अप नहीं, वहां वहां ऐसा कुछ बन नहीं रहा था। वो मुझे पता है वहां पे हम पूरा दिन होते थे, मतलब बिग बॉस नहीं होता कि 24 घंटे कैमराज होते हैं, तो जब जब कैमरा होते थे तो सचिन अपनी शायरिया वगैरह बोल देता था। एंड कई बार तो देखा गया है कि आकृति के एक्सप्रेशन ही ऐसे थे, तो वो भी उसको फ्रेंड ही मानती थी, ऐसा वाला कोई जोन नहीं था। वो मेरी पर्सनली उससे काफी अच्छे लेवल पे बात हुई हुई थी। हाँ, वो हुई थी कि तुमने कहा था शो के बाहर देख लेंगे और हाँ उन्होंने कहा था हाँ कि एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। हाँ राइट राइट। अच्छा, शिवित का भी तो एक अंदर सीन बनते बनते रह गया था, उस बारे में क्या बोलोगे, क्या था उस समय तक? नहीं, वो जिन्होंने शो किया उनको पता है कि भाई वो कितना, मतलब नायरा को काफी जनरल फीलिंग्स थी उसके लिए, बट नायरा को उसके दिख स्टेज रही पर थी, आके हाँ उसको नायरा की दिख पता, रही थी, हाँ राइट। हाँ नायरा को काफी जनरल फीलिंग्स थी उसके लिए, बट आई डोंट फील कि शिवेद की उतनी जनरल फीलिंग्स थी। वो आई फील जैसा ही वो पहले बात हुई कि भाई फुटेज के लिए और उसके लिए कर रहा था, वो पूरा ना सारी चीजें ना पढ़ पढ़ के आया था कि भाई मैं ऐसे फुटेज ले सकता हूँ, मैं ऐसे ये कर सकता हूँ, मेरे को लव एंगल भी दिखाना होगा, ये करना होगा वो करना, तो उस चीज के चक्कर में वो खुद ही फंस गया बेचारा। मतलब गेम, मतलब देखा जाए तो शिवित के लिए कहना चाह रहे हो कि वो प्री प्लान था हर चीज को लेकर के, शक्ल से लगता नहीं था लेकिन वो, ये यूएसपी भी उसकी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यूएसपी थी मैं मानता हूँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो फुटेज तो ले गया, मतलब इन द एंड जैसे मर्जी उसने फुटेज ली, बट वो फुटेज ले गया जो और उसका एम तुम था। जाते समय ये भी कह करके गए थे कि आपको लग रहा, शिवित के लिए स्पेशली तुमने कहा था कि आपको लग रहा होगा कि आपकी गैंग के अंदर लॉयल लोग हैं, जबकि यहाँ पर बैठे हुए लोग भी आपके साथ, उस बारे में क्या बोलना चाहते हो? वो बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, मतलब आग जाते जाते वो कह रहे ना, आग लगा के, वो लंगड़ा त्यागी आग लगा के जा रहा हूं मैंने वैसे वो किया तो था, वो क्या था? बिल्कुल वही बात है, वहां लोगों काफी लोगों को ये बात पता थी बट बोलता नहीं था कोई खुले में। मतलब शिवेत ने गैरी के ऊपर टारगेट पेंट करवाया था सॉर्ट ऑफ कि भाई गैरी ने एक तो हमसे भी लड़ाई वगैरह कर ली थी और उस दिन सब गर्म भी हो रखे थे, तो उसने मौका मौके का सही फायदा उठाया, ऋषभ वगैरह को जाके बोला कि भाई गैरी वैरी को देख लेना अगर टीम से निकालना हो, क्योंकि एक गैंग है सपोज उसके अंदर दो, मतलब सबसे मेन वहां पे गैरी शाइन करने वाला बंदा था, उसने पहले स्टेप्स लग गया एब्सोल्युटली, हुआ था बहुत और बहुत दिख, स्ट्रॉन्ग लड़का था। हाँ स्ट्रॉन्ग लड़का था, दिखने वाला बंदा वही था। अगर उस गैंग से गैरी निकल जाए तो बचे हो कौन, जोगिंदर जो कि एंटरटेनमेंट और उस पर्पस से है, प्रेम भी अपना कॉमेडी पर्पस से है, वाशु से कुछ हो नहीं रहा था, बचा हो कौन लड़का, शिवेत और गैरी। गैरी निकल जाएगा तो लाइमलाइट कौन लेगा, शिवेत, तो सिंपल एज दैट। तो इतना सा उसका गेम प्ले था जो वेरी गुड, उसने। तो मतलब उसने इस तरीके से बार कर दिया। गैरी एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग कंपटीशन था, नहीं तुम्हें लगता है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उसका स्प्लिट्सविला देखा हुआ है और उसने सारे टास्क में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, नहीं, तो मेरे इनफैक्ट को बोलने लगता में था भी तो। स्पॉन्टेनियस था, शायद लड़ाई भी 2-3 हो चुकी थी जब तक वो था। हाँ, मेरी हो चुकी थी उससे अच्छी खासी लड़ाई। हाँ ठीक है, उसके साथ मेरे को पर्सनली मजा भी आता था, लड़ाई वगैरह अगर वो करता था ना तो थोड़ी टक्कर लगती थी, मजा आता था, अच्छा, तो एक जोड़ता हूँ। तुमसे एक लड़ाई हुई थी
कि जिसके अंदर तुम अपनी साइड से सिर्फ बात कर रहे थे और तुम्हें कहा गया था, तुम पे एक एलिगेशन लगा था कि मुझे टच मत करो और ऐसे बात मत करो मुझसे, उस बारे में क्या कहना चाहते हो? गौतम सर की गैंग से आकर के भी तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे गैंग मेंबर्स ही तुम्हें कह रहे थे दूर हट जा दूर हट जा हाँ दूर हट हाँ जा, हाँ वो प्लीज डिटेल करो उसको। तो वही मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में हिमांशु, पीयू, पल्लवी मेरे मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे। लाइक पीयू काफी क्लोज थी, हम रात को 1-2-3 घंटा बात करके सोते थे, और 10-12 दिन हो चुके हैं उस चीज को, और हम तुम रेगुलर इतना किसी के साथ हो और तुम एकदम साथ साथ चल रहे हो। और उसके बाद मेरे को ऑनेस्टली काफी बुरा लगा कि भाई एक लड़की चढ़ी उस पे, 2 लड़की चढ़ी, फिर तीसरी से भी उसकी लड़ाई होगी। तो पहले तो मैं उसको अपना स्टैंड लेने दे रहा था कि भाई तू चिल्ला ले, भड़क ले, तेरे को जो करना है कर ले, बट वहां पे हीट इतनी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने उन तीनों लड़कियों को बोला बाहर हो जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं कि भाई अटेंशन सीख करिए, अटेंशन सीख करिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अटेंशन सीख करिए ना, तो तुम इसे टेंशन मत दो, हमारे टेंशन से निकलो, इसको टाइम दो, अपनी स्पेस दो। तो मैं उन्हें भेजता हूँ, और ऑनेस्टली मैं ही भेजता हूँ उनको अपने टेंट से, वरना वो जाते नहीं, वो तो चढ़े रहते हैं इस पे। और उसके बाद मैं जाता हूँ पीयू को काम डाउन करने, मैं कोई नहीं कोई नहीं, एंड मैं हक करता हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उसे हक कर रहा था, 20-25-30 बार हमने पहले भी हक किया होगा, अच्छी फ्रेंड थी। क्योंकि उस टाइम वो कहती है डोंट टच मी, पीछे हो जा पीछे हो जा, तो मेरा दिमाग फट जाता है। मतलब एकदम हुआ गया कि मतलब अभी तक तो हम अच्छे दोस्त दोस्त थे, और एकदम से मेरे ऊपर क्यों बैश करने लग गई है। तो वो मुझे समझ नहीं आता, फिर वही प्राक्रम साइड पे स्टैंड लेता कि तू पीछे हो जा पीछे हो जा। तो मैं उसको यही बोलता हूँ, मैं भोंदू मेरे में दिमाग है, मेरे को मुश्किल से ये शो मिला है, मैं किसी को मार मार के यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो वो बस वही बात होती है, और उस दिन से मेरा मन बिल्कुल खट्टा हो जाता है, और इसी दिन के बाद से मेरा नाम बढ़ जाता है सोलो प्लेयर। क्योंकि फिर मैं देखता हूँ कि कोई अगर इतना बिलो द बेल्ट अगर किसी को हिट कर सकता है ना, तो यहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। तो किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने इंट्यूशंस के साथ खेलो। देखो, मैं उस सिचुएशन को जब मैंने देखा था टीवी पर, जियो सिनेमा पर, मैं देखता टीवी पे ही हूँ, है ना। तो जब मैंने देखा था तब मुझे लगा नहीं कि तुमने कोई, तुम्हारे इंटेंशन में कहीं पे कुछ था, तुम तो झगड़ा शांति कर रहे थे। मगर हो सकता है ना कि यार पीयू के पास बातें होंगी, बैगेजेस होंगे, चीजें होंगी, जिससे उसको लग रहा होगा कि शायद ये यहाँ पर इसको खत्म तो कर रहा है पर इसके मन में कुछ और चल रहा है। तो वैसी कोई सिचुएशन पे उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा, बट यू वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। और पराक्रम भी उस समय चीजों को खत्म ही करना चाह रहा था कि यार तू एक बार हट जा, अगर वो नहीं चाहती और इस चीज को ऐसे खत्म करना चाहती है, तो ये सीन कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि गौतम तुमको बचा सकता था उस दिन तुम नहीं निकलते? डेफिनेटली डेफिनेटली इस पे लोग क्या कह रहे कहना हैं ना, चाहोगे? हाँ लोग कह रहे हैं ना कि मैं खुले में खेल रहा था इसलिए निकल गया। नहीं, मैं कहता हूँ कि भाई वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था उस दिन मेरा निकलना ना, क्योंकि अभी बोनस एपिसोड आपने शायद देखे नहीं होंगे, तो उसके अंदर क्लियरली आया कि जो मोगली है अभिरूप, तो उसने गलती से वोट मेरी तरफ डाल दिया, वरना वो हिमांशु को वोट जाना था, और वो एक्सेप्ट करता है अपनी वो चीज। और ये बात मेरे को शो के बाद बताई भी थी लोगों ने, बट मेरे को लगता है ऐसे ही जानबूझे झूठ वूट बोल रहे हैं। तो बट मैंने जब कैमरे पे देखा ना, तो ऑनेस्टली उससे गलती हुई थी कि भाई मेरी जगह मतलब हिमांशु की जगह उसने मेरे को वोट डाल दिया। अगर वो हिमांशु को वोट डाल देता उस दिन, हिमांशु के साथ होते तो मैं उस दिन बच जाता, एक ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी अगर गौतम सर बचा लेते, और वो काफी ऑब्वियस था क्योंकि सारे ही पीछे पड़े हुए थे, जब अपनी गैंग वाले पीछे पड़े हुए तो बाकी तो पीछे पड़े ही हुए थे। तो उस दिन डेफिनेटली मेरे को लगा था कि भाई वो उनके जो फेवरेट्स थे पीयू प्राक्रम, जो उन्हें सही लगते थे, उनको भी बचा सकते थे और मुझे भी बचा सकते थे वोट कार्ड पे नाम लिख कर, बट वो उनको समझ नहीं आया उस टाइम, या पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। नहीं, पीयू पराक्रम अगर उनको पसंद थे तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा परफॉर्म भी किया था रेगुलर, राइट? नहीं, नहीं, क्यों बताओ? फर्स्ट टास्क था पीयू प्राक्रम, वो जो आपस में ही हुआ था। लाइक मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ ना, कि किस वजह से टीम आज यहाँ आई थी और किस वजह से मेन लोग अभी भी टीम में थे। फर्स्ट गैंग टास्क होता है गन वाला, उसके अंदर मैं सिंगल हैंडेडली जीता, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंप्लीटली मैं जीता, बट हाँ मेजर रोल मेरा था क्योंकि आई वॉज द मेन अटैकर। तो उसमें हमने 3,000 रोडियम लिए और 5 इम्यूनिटी मिली, वो किसको मिली, हमारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को। उसमें से 1500 रोडियम यूज हुए पल्लवी पे। उसके बाद वो गुलेल वाला टास्क था, उसके अंदर हम फर्स्ट नहीं आए बट सेकंड आए, उसमें भी 2,000 रोडियम मैंने खुद से जीते, और उसकी अगली बार भी मैंने अपनी इम्यूनिटी खुद विन करी, और फिर 4,500 रोडियम्स मैंने सिंगल हैंडेडली जीते हुए थे टीम में। और वहां पल्लवी, राजवीर और ये पीयू ने 2,000 रोडियम जीते थे। 2,000 = 4,500 रोडियम्स और 5 इम्यूनिटी टीम के लिए जीतना, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो आई फील मैंने उनसे काफी बेटर परफॉर्म किया था गेम में जब तक मैं था। तो मतलब ये कहना चाहते हो कि गौतम के पराक्रम फेवरेट थे ही, पसंद ही हाँ थे उनको? हाँ पसंदीदा। अच्छा,
ऐसा हो जाता होगा ना, जैसे तुम्हें भी तो कोई पसंद आ सकता है वहां पे, तो गौतम को नहीं भी बिल्कुल पसंद आता बिल्कुल होगा। क्या वो, हाँ मैं एक दिन पराक्रम अभी और गया था। गौतम बराबर बात करते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि वो आंखों आंखों में ही बात कर लेते हैं? कौन पराक्रम और गौतम पराक्रम और गौतम सर आपस में ही आंखों आंखों में ही बात कर लेते हैं, दोनों कम बोलने वाले हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे? सर? नहीं नहीं मेरे को लगता है ऐसा कुछ, बल्कि वोट आउट के टाइम कई बार मेरे से आंखों आंखों में वो बात कर लेते थे कि भाई किसका क्या सीन लग रहा है कभी कभी, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई पराक्रम। और इनफैक्ट अभी अगर आपने अगला एपिसोड देखा हो तो पराक्रम को उन्होंने टीम बनाने के लिए दी थी, तो उसने कैसी टीम बनाई? टीम काफी वीक होगी अगर ऑन पेपर आप बात करो तो, जो कि फैक्ट है। अब अब हो उनका गई, अब हो फेवरेट, गई। हाँ वो हाँ तो तो, उनका हाँ अब हो फेवरेट गई, रोडी अगर वीक टीम उनकी बना दे तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं वो गलत हो। वो तो ये तो एकदम हाँ शफल पसंद आ गया तो तो पसंद आ मतलब गया। क्रिएटिव्स की तरफ से हुआ, तो उस शफलिंग में वो गया, जो उसको मिल पाया वो मिला, ऐसे नहीं तो नहीं देखा जाए। नहीं मेरे हिसाब से ऋषभ ने, आशिका ने ठीक लोग चूज किए अपने हिसाब से उन्होंने। आशिका ने तो अपने छोड़ दिए सारे। अरे जो ठीक नहीं थे उसके अकॉर्डिंग वो छोड़े ना, उसने तो बहुत स्मार्ट प्ले किया। ऋषभ ने भी बहुत अच्छा किया उसमें, आशिका ने तो बहुत स्मार्ट प्ले किया। तीन लोग जो उसे मेन मेन चाहिए थे वो उसने लिए, जोगिंदर उसको नहीं लेना था, उसे नहीं ठीक लगता था, वो नहीं लिया। जोगिंदर, जोगिंदर के बारे में बेसिकली क्या कहना चाहते हो, कैसा प्लेयर था वो अंदर? तुम उसे कंपटीशन देख रहे थे? नहीं कंपटीशन की अगर बात करूं तो मैं ऑनेस्टली किसी को कंपटीशन समझता नहीं था। मतलब समझने की बात ऐसी है कि मेरा माइंडसेट काफी डिफरेंट है, जैसे कि बोले कि अगर मैं पहले ही सोच लूंगा कि यार ये मेरा कंपटीशन है और उसके साथ मेरा थोड़ी देर में टास्क होने वाला है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं माइंड में मेरे हल्का सा फियर बैठ जाएगा कि यार ये तो तगड़ा बंदा है, मैं कहीं हार ना जाऊं। मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि भाई सबसे तगड़ा मैं ही हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई रीजन है उसके पीछे, तो मैं अपने आप को बेस्ट मान के रखता हूँ किसी भी चीज में जाऊं, चाहे कोई भी तो रमघा आ जाए वहां पे। मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है। बट जोगिंदर की बात करें तो स्टार्टिंग से ही वो वोट आउट वगैरह में बोल बोल रहा था, मुझे तंग वंग कर रहा था, बट बाद में जब हमारी टेंट वगैरह में बात होती थी ना, जब मेरी सबसे बात बंद हो गई थी, तो ही वॉज द वन कि भाई मैं सोने जाता था ना, तो मैं वैसे तो बात नहीं करता किसी से, बट उस इंसान से मैं 15 मिनट बात करता था सोने से पहले। वो मुझे हंसा हंसा पागल कर देता था और फिर मुझे अच्छी नींद आती थी बाई चांस जाके, वैसे मैं 3-4 घंटे ही सो पाता था वहां पे। बट जोगिंदर से 10-15 मिनट हंसी खेल वाली बात करते थे, हम बड़े मजाक करते थे, तो मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो हाँ थोड़ा मैंने सा ऊपर नीचे पागलों वाली चीजें कर देता है, बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, और जो दिल का इंसान अच्छा होता है वो मेरे साथ कनेक्ट कर जाता है, चाहे वो फिर कैसा भी। तो मतलब तुम दिल के अच्छे इंसान थे और थाराभाई जोगेंद्र दिल का अच्छा इंसान था, और कौन कौन दिल का अच्छा इंसान था जो तुमसे कनेक्ट कर पाया? नहीं देखो शो के अंदर मैं नहीं कनेक्ट कर पाया, बट शो के बाद जब मैंने गैरी से बात की, शो में सिचुएशंस आ जाती हैं ऐसे, और भी काफी लोग होंगे दिल के अच्छे, बट मैं उनको जान ही नहीं पाया अंदर से, या फिर वो गेम की वजह से इतना ज्यादा चेंज हुए हुए थे, इतना ज्यादा अलग हुए हुए थे कि भाई उनकी रियल साइड मुझे देखने को नहीं मिली। जैसे कि मेरे को गैरी से बाहर आके काफी बातचीत हुई, तो वो भी ही इज ऑल्सो वेरी गुड एट हार्ट, वो भी लगा। हिमांशु से भी मेरी अच्छी बातचीत थी, उस वो भी लगता है मुझे दिल का अच्छा, बट बाद में आके मैंने देखा ना उसने वीडियो में ही मेरे बारे में उल्टी पुल्टी चीजें बोली हुई है, और जो कि मतलब बिल्कुल बेसलेस थी, और वो मेरे मुंह पे आके बोल देता ना कि भाई तू ये बेकार चीज है और ये तू गलत कर रहा है, तो इट वुड हैव बीन फाइन, बट वो पीछे जाके अगर बोल रहा है कैमरे पे तो फिर मेरा मन हट जाता है उस इंसान से थोड़ा कहीं ना कहीं। देखो वीडियोस तो बेसिकली इसीलिए होती है कि अगर कुछ रह गया है तुम्हारे अंदर, उस सिचुएशन पे बिल्कुल बोल नहीं पाए हो, बिल्कुल या फिर कुछ ऐसा तुम्हारे सामने हुआ जिसको तुम और एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वीडियो तो एक बेनिफिट है हर कंटेस्टेंट के लिए। तो डेफिनेटली वो जिसको जैसा लगता है वो बोलना चाहता है, क्योंकि वीडियोस में अगर आप बिच भी कर रहे हो अननेसेसरीली की तो भी वो ऑडियंस को दिख जाती है, और अगर आपको लॉजिकल बोल रहे हो वीडियो, लाइक एक वो कहते हैं ना कि एक सप्लीमेंट्री आप लोगों के लिए एक और हेल्प है, कि अगर आप अपने आप को बूस्ट कर रहे हो तो वीडीज से और अच्छे से कर सकते हो। तो आई मस्ट से अबाउट द वीडीज थिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें, अपन ऐसा सोच के देखते हैं या तुम्हारे मन में भी होगा, अक्सर हम कोई भी शो करके आते हैं और हमारी जर्नी बीच में चली जाए, लाइक मुझे 4-5 रियलिटीज का एक्सपीरियंस है, तो जब हमारी जर्नी अगर बीच में रह जाए तो हमारे को लगता है कि यार उस सिचुएशन को अगर वैसे कर देते तो शायद सही होता, उस दिन मैं अंदर होता, या फिर मेरा गैंग लीडर मेरे साथ नहीं होता, कोई और होता, बिकॉज अब शो भी खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है कि रिजल्ट्स भी क्या होंगे, यू मस्ट बी हैव आइडिया अबाउट। सो तो क्या ऐसा मोमेंट है जिसको ठीक कर सकते हैं अपन टाइम में जाकर के दोबारा? मेरे को जो लगता है कि अगर गौतम सर मेरे को सही से समझते हैं तो वो चीज हो सकती थी, बट मैं ना लाइफ में अपनी चीजें ना दूसरों पे नहीं डालता हूँ, तो ठीक है उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, बट जो एक चीज नहीं होगी किसी मैं पर तो बस डालनी पड़ेगी ना दिग्विजय, किसी पर तो नहीं डालनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में था मैं नहीं। अपने ऊपर डालूंगा,
मैं तो अपने तुम्हारे ऊपर हाथ में तो डालूंगा। था नहीं ना, गैंग लीडर की साइड से पूछ रहा हूँ, सिचुएशन पे पूछ रहा हूँ कि हम अच्छा किसको सही कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली वो जैसे कि मैंने बताया कि अभिरूप की एक वोट अगर ठीक डल जाती, जैसे कि उसकी गैंग का प्लान था और उसको कुछ ऐसा था भी नहीं मेरे अगेंस्ट, वो चीज, और फिर गौतम सर अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते, गेम को समझने की कोशिश करते, तो वो चीज हो सकती तुम थी। बोलते ना, बट तुमने बोला नहीं वहां सेम टाइम कि क्या, डाल दो रोडीज, रोडियम्स डाल दो। नहीं, वहां पे रोडियम्स वोट कार्ड पे लिख के उन्होंने बोला था ना बाद में, तो फिर वो लिख के आ चुके थे। एंड क्या सीन हुआ था कि भाई लड़ाई वगैरह बहुत ज्यादा हो गई थी उस दिन प्रिंस भाई और गौतम भाई की, तो उस हीट के चक्कर में हमें थोड़ा सा बहुत मतलब प्रॉपर चांस मिला नहीं पिच करने का कि भाई कैसे कन्विंस करें हम गैंग लीडर वगैरह को, तो वो थोड़ा सा हसल एंड बसल में निकल गया। और किसी चीज को लेकर के लग रहा है कि यार मैं थोड़ा टेक्टिकली खेलता, मुझे कुछ और करना चाहिए था, किसी और सिचुएशन पे आके मैं कुछ चेंज कर सकता था। मैं एक चीज की बात करूं तो उसी दिन जो टास्क हुआ था वो बॉम्ब वाला ही, बस वही मेरे मन में काफी टाइम तक ये रहा कि बस वो मैं बॉम्ब नीचे से पकड़ के अगर मैं ऊपर ले जाता तो वो मैं एक राउंड जीत जाता, फिर एक हिमांशु जीत जाता, और फिर होपफुली अगर लास्ट पराक्रम जीत जाता तो हमारी टीम इम्यून हो जाती। एक तो ये पॉसिबिलिटी, और फिर बाकी गैंग लीडर और अभिरूप वाली मैंने बात आपको बता दी, और बाकी कोई चीज अगर मैं छुप छुप के दब दब के खेलता और बाकी 5 लोग जो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता रहता तो मेरे को लगता है कि मैं खुद, अगर मैं और 2-4 हफ्ते या कहीं ना कहीं एंड तक शो जीत भी जाता तो मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता कि वो भाई दिग्विजय नहीं रहता फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो अब मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से कि भाई जैसा मैं दिखा टीवी पे या जो मेरी रियलिटी थी वो लोगों तक पहुंची, तो आई एम सेटिस्फाइड कि भाई जो दिख रहा था वो बन के निकला। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स थे जिनसे ये सोचते हो कि शो में मैं चला गया, चलो आप किसी भी रीजन से गए, पर ये लोग निकल जाते पहले और मैं बाद में जाता तो मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होता उस चीज का? नहीं ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर मैं कहूँ जो कम डिजर्विंग थे वहां पे रहना, वो बहुत सारे थे। शायन हो गया, वो शायद ही आपने देखा होगा पूरे एपिसोड में कभी, फिर तनु हो गई, फिर वहां पे प्रेम हो गया, नहीं लाइक प्रेम भी फनी कंटेंट वगैरह अच्छा देता था, राजवीर हो गया हमारी गैंग का, तो ये 3-4-5 लोग थे जो तो अगर ये पहले। लोग मतलब है क्या ना कि आप लोग अलायंस बना करके और आपस में वोट आउट डिस्कस करके, तो मेकर्स को भी एक अलग सिचुएशन लाके देनी पड़ती है। अदरवाइज तो होता ना कि सेम टाइम प्रिंस की टीम खाली हो चुकी होती है और हम लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है आपस में लड़के, तो वो सिचुएशंस तो ऐसी आती है कि जो हम सोचते हैं उससे बियॉन्ड सोचते हैं मेकर्स शो बिल्कुल बनाने वाले, तभी बिल्कुल सिचुएशंस आती बिल्कुल। है। रिया के बारे में क्या कहना चाहते हो? रिया मैम बहुत स्मार्ट खेली है, आई फील कि भाई उनको पता था कि भाई अपने गैंग के नंबर बचाने हैं, फिर चाहे गौतम भाई और प्रिंस भाई आपस में लड़ते रहे, मतलब गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से शी वॉज वेरी स्मार्ट इन द गेम, लाइक फर्स्ट ईयर है उनका भी, और कहीं ना कहीं वो आई फील कि गौतम सर से तो बहुत अच्छा गेम को समझ गई थी। और जो बाय हार्ट वो कनेक्ट हो रही थी लोगों से, उन सब चीजों के बारे में तो मैं क्या कहना हाँ चाहूँ। अपनी गैंग से वो काफी अच्छे से लाइक बात करती है, वो काफी ज्यादा मिलने मिलने आती थी और काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी और सही चीजें गाइड करती थी और कभी ना बोलने से रोकती थी ना कुछ, और नंबर्स गेम भी उन्हें बहुत अच्छा समझा देती थी कि भाई इतने वोट्स हैं तुम्हें, इतने और वोट्स चाहिए, तुम अपने वैसे बच जाओगे, तो काफी चीजें वो खुद ही क्लियर कर देती थी कि भाई ऐसे 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 ठीक रहेगा, और उनसे पूछ भी लेती थी कि क्या ये ठीक है, तो फिर वो लोग भी अपना ओपिनियन दे देते थे। तो वहीं उन्होंने जैसे ऋषभ उनकी गैंग में जैसे मेन मेंबर था तो बाकी सारे जो थे वो थोड़े सुनने वाले थे तो वो सुन भी लेते थे, लेकिन अगर वहीं अगर मैं बात करूं हमारी गैंग की, तो हमारी गैंग में जो 6 लोग थे कहीं ना कहीं काफी अलग अलग डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थे, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके रुकते नहीं थे, तो इस वजह से क्लैशेस वगैरह चलती रहती थी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर रिया मैम ने पहले प्रिंस के साथ अलायंस किया हुआ था, फिर जैसे हाँ ये अलायंस थोड़ा सा बिगड़ा तो उनका गौतम के साथ अलायंस हो गया, तो ये चीज जैसे मुझे दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी और बिल्कुल बाकी लोगों को भी अंदर दिख रही होगी, तो इन सब चीजों को देखते हुए भी गौतम हर चीज में एग्री क्यों कर रहे थे? मेरे लाइक गौतम को बहुत ओके कि प्रिंस के साथ अलायंस है ठीक है, मेरे साथ अलायंस है ठीक है, ऐसा क्यों? नहीं, वो पहले ओके नहीं होते थे कि भाई उनकी जो पर्सनल ग्रज था वो काफी ज्यादा हो गया था, आई फील गेम से ऊपर हो गया था, तो इसलिए किन वो से किन से? प्रिंस भाई से, हाँ हाँ ठीक है, वो तो दिख रहा है। हाँ गौतम भाई का मैं प्रिंस भाई रिया से काफी, की स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूं मैं, उसकी। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो वो मेनली, और उनका रिया मैम के साथ बॉन्ड ठीक था,
उनका पर्सनल लेवल पे बॉन्ड ठीक था, तो वो पर्सनली चाहते ही नहीं थे कि भाई हम प्रिंस गैंग के साथ बॉन्ड करें और रिया गैंग से किसी को उड़ाएं। एंड तक आते आते उन्होंने बोला था कि भाई हाँ अब हम रिया गैंग से उड़ा सकते हैं क्योंकि नंबर ज्यादा हो गए, तो वो थोड़ा सा टाइम ले गए गेम को समझने में, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से वो बात बोल हाँ, रहा मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब हूँ। वो समझ रहे थे चीजों को तब तक। हाँ बिल्कुल। ओके, तो मतलब रिया अभी इन तीनों गैंग लीडर्स में से अगर हम 1 2 3 नंबर दे तो किसको दोगे फर्स्ट पे, कि स्मार्टेस्ट प्लेयर जो सिचुएशंस को समझ के खेल रहा था वैसे वैसे करके? रिया मैम स्मार्टेस्ट रिया मैम फर्स्ट पे, सेकंड में पे? डेफिनेटली रिया मैम। और हाँ सेकंड पे प्रिंस? हाँ प्रिंस सब कुछ समझते हुए भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा डाइविंग किए हुए थे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे भाई? नहीं समझ तो प्रिंस को सब कुछ आ ही रहा होगा ना, बिल्कुल बट ही बिल्कुल वॉज आ रहा मोर था। इन टू द गेम मैं लाइक। बताता हूँ, लाइक गेम परस्पेक्टिव से ज्यादा नंबर आगे लेके जाने के अकॉर्डिंग रिया मैम वाज डूइंग बेटर, शी वाज स्मार्ट प्लेयर। बट प्रिंस भाई चाहते थे कि भाई अगर उनकी गैंग में कोई जल्दी भी निकल रहा है या कोई लेट भी निकल रहा है या कम लोग भी हैं, तो स्टिल उनको वो रेस्पेक्ट मिले बाहर और वो लोग उतने शाइन करें कि भाई वो चौड़े में खुले में खेले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वही देखो ना, अब रिया गैंग में कितने, दो तीन लोग हैं, बाकी लोग नीचे दिखते ही नहीं है, कोई भी कोई दिखता ही नहीं है, तो वो शाइन नहीं कर पाए ना, उनका आना ना आना शो में फर्क नहीं पड़ा। बट प्रिंस भाई की गैंग में जितने भी थे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हल्का हल्का क्रिएट कर दिया है सबने, और उसमें आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू प्रिंस भाई कि भाई उन्होंने जिस हिसाब से अपनी गैंग को पंप किया कि भाई तुम बोलो। प्रेम वगैरह ये स्टार्टिंग में बहुत शांत थे कि भाई ये गेम की बट बातें हो रही है, उनकी हम उनकी टीम से भी तो डिसअपॉइंट होकर के थारा भाई जोगिंदर बाहर आया, बोला मेरे को तो कभी शाइन ही नहीं होने दिया। हाँ थारा भाई जोगिंदर तो थोड़ा पर्सनल लेवल पे जैसे ब्रेनलेस बोल दिया, तो उसने दिल पे वो बात ले ली और उसने अपना स्टैंड लिया, उनको इम्यूनिटी वगैरह नहीं मिलती थी, बिल्कुल सही बात है, और जो कि कई बार मेरे को भी लगा कि भाई मिलनी चाहिए थी प्रेम और जोगिंदर को, बट वो शाइन करने का और खुला खेलने का चांस देते थे, इवन उनको भी बोल के रखते थे कि तुम बोलो एक्सप्रेस करो अपने आप को, तभी प्रेम इतना वो फनी चार्म और वो सब चीजें बाद में उसने स्टार्ट करी थी दिखानी, जस्ट बिकॉज प्रिंस भाई ने आके एनकरेज किया था उसे। अच्छा, रिया गैंग से कौन कौन बोलते हो उस प्लेयर्स थे जिनको फायदा हुआ, फुटेज में रह पाए, लाइमलाइट में रहे? सचिन, ऋषभ, थोड़ा बहुत भूमिका कह सकते हैं बस, और तो कोई भी नहीं। मतलब फोकस रिया का सचिन और ऋषभ पे था, हाँ और गौतम की टीम से पीयू प्राक्रम, हाँ पीयू पराक्रम पे, जी प्रिंस और प्रिंस की टीम से भाई का तो फेवरेट शिवेत ही था, शिवित और आशिका डेफिनेटली, आशिका। तो और वो डिजर्व करती है, वो ये जो बंदे डिजर्व प्लेयर्स करती है। हैं, हाँ जी एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि इन प्लेयर्स पर ज्यादा दांव भी खेले गए और इनकी तरफ से रिजल्ट ओरिएंटेड भी आ रहे थे, और चाहे ये गेम कर रहे हो तुम्हें ऐसा लगता है तो, बट कहीं ना कहीं ये टीम के लिए ज्यादा लॉयलिटी प्रूव नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं लगता गैंग लीडर्स को लगा ऐसा? नहीं, मेरे सबसे को ज्यादा हाँ गैंग लीडर्स आपको कब देख पाते हैं मैं बताता हूं आपको, मुझे ऐसा लगता है जी टेंट्स में आके बात करते हैं तो आपको समझाने के लिए आते हैं, बट बिल्कुल, वोट आउट्स के टाइम पे मेनली वो आपको देख रहे होते हैं, आपसे बात करके देख रहे होते हैं कि कौन हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है, कौन गेम के बारे में चल रहा है, कौन अपोजिट टीम के लिए स्टैंड ले रहा है, लड़ पा रहा है उनसे। तो उन पॉइंट्स पर तो मुझे लगता था ना कि यही वो लोग हैं जो खड़े रहते थे हमेशा उनके साथ में, एंड इनफैक्ट टास्क में भी। अब जैसे गौतम भाई के फेवरेट पीयू और प्राक्रम थे, तो उन्होंने ही तो उनका स्टैंड नहीं लिया, मैं सिंगल हैंडेडली उनका स्टैंड ले रहा था कि भाई रिया गैंग से हम नहीं उड़ाएंगे किसी को, जस्ट बिकॉज हमने गौतम भाई के वर्ड पे रहना है, गैंग लीडर के वर्ड पे रहना है, और वो चीज गौतम सर समझ नहीं पाए। और वहीं अगर बात करें रिया गैंग की, तो ऋषभ और सचिन जो उसमें लॉयल्टी में थे, तो वो मैम को कहीं ना कहीं स्ट्रांग लगते थे, लॉयल तो उनकी गैंग ऑलमोस्ट सारी थी उनके हिसाब से। और वही प्रिंस भाई, स्टार्टिंग से ही मेरे को लगता है पीआई वगैरह जब मैंने टीवी पे देखा, तो वो बायस हो रखे थे थोड़ा शिवेत वगैरह की तरफ कि ये बंदा चाहिए चाहिए और ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो इस चीज में कहीं ना कहीं गलती कर गए, इसी वजह से उन लोगों ने बहुत से टास्क खा रहे हैं। अगर वो शायद एक आध बंदा इधर उधर या थोड़ा दिमाग लेके कोई और लेते तो शायद बेटर रहता, शिवेत वही टास्क वगैरह समझने में गलती करता था, और वो लॉयल था ही नहीं गैंग के लिए, वो मैंने बात क्लियर भी करी कि बोल उसने दी गैरी को मिलवा दिया, गैंग को ही वीक करवा रहा, तो फिर वो गैंग का लॉयल कैसे हुआ, तो ये बात थी। ट्रू ट्रू। हाँ अब थोड़ा सा समझ में आया ना क्लियरली कि इस रीजन से ऐसा हो रहा था। सो दिग्विजय मुझे ये बताओ कि रोडीज जो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का सपना होता है और तुम रोडीज का हिस्सा बनते हो, तुम्हारे पीआई राउंड्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, ये सिचुएशन कैसी थी और कैसे तुम एक रोडी बने वो बताओ थोड़ा सा। मेरे लिए रोडी बनना अपने आप में लाइक, एक तो रोडीज की जर्नी होती है और उससे पहले होती है ऑडिशंस की जर्नी, तो वो अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी मेरे लिए। लाइक लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका वाले जब रोडीज हुए थे, तो
आई क्लियर वन राउंड एंड मेरा वीडियो कॉल पे हुआ भी था ऑडिशन, बट वो आगे क्लियर नहीं हुआ था, तो आई वॉज वेरी सैड कि नहीं हुआ. बट इस बार आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि भाई इस बार तो करना ही करना है. तो सबसे पहले यही चंडीगढ़ में मैं घर ही आया हुआ था, प्रिपरेशन कर रहा था कि भाई ऑडिशन है, जाएंगे और धमाका करना है इस बार. तो चंडीगढ़ ऑडिशन देता हूँ मैं, GD1 में अच्छा जाता है, बट कॉल नहीं आती, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है. फिर आई गो टू दिल्ली, 2 दिन, एक ही दिन बाद, एक ही दिन का गैप होता है, दिल्ली जाता हूँ ऑडिशन देता हूँ. और दिल्ली में तो मेरा बहुत क्रेजी सीन हुआ था कि वहां मेरा ऑडिशन के टाइम में GD से पहले मेरा फोन चोरी हो गया था वहां पे, तो वो भी बहुत क्रेजी सीन था. वो तो वो प्रेशर हटा के मैं कहा फोन गया गया, ये सालों बाद आई है अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू गिव माई बेस्ट. तो GD बहुत अच्छा गया था मेरा. एंड इनफैक्ट कि मैंने दोस्त का नंबर दिया था जिसके पास मैं स्टे कर रहा था दिल्ली में, उस फोन को लेकर मैं पूरी रात बैठा हुआ था कि भाई अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, क्योंकि इतना अच्छा हुआ था, बट कॉल नहीं आता. फिर मैं वापस आता हूँ एंड उसके बाद मैं इंदौर जाता हूँ, फिर वहां पे जाके मेरा GD1 क्लियर होता है, GD2 क्लियर होता है, एंड फिर PI के लिए मुझे कॉल आती है. PI में भी सेम मुझे दो लोगों से वहां भी रिजेक्शन मिलती है, प्रिंस भाई और रिया मैम से मेरे को पहले रेड बजर मिलता है, बट इन दी एंड तीनों बजर अपना आगे करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं मेरे को, और बिड भी करते हैं मेरे लिए 2800, जो टॉप 5 की आई गेस बिडिंग थी. मतलब बहुत है अप्स एंड डाउन वाली मेरी जर्नी रही है, एंड आई फील कि भाई जो मेरा जर्नी पे इतना अच्छा सीन रहा है वो इसी वजह से रहा है कि मैंने ऑडिशंस वगैरह में टाइम इतना अप्स एंड डाउन देखे थे कि उन चीजों से मैं इतना ज्यादा सीख गया कि मेरे को जर्नी पे वो चीजें हेल्प करी कि भाई ठीक है नीचे भी लगेंगे हम, लो भी आएगा, बट इट्स ओके, हमें अपना बेस्ट करते रहना है. तो वो जर्नी बहुत ही अपने आप में आई फील की अमेजिंग थी. तुम जब अंदर आ गए थे तो तुमने नोटिस किया था कि प्रिंस का इंटरेस्ट नहीं था कि अब तुम आओ उसकी टीम के अंदर, राइट? बिल्कुल तो हाँ, और तुम्हारा क्या झुकाव था, तुम किस टीम में रहना चाहते थे स्टार्टिंग से? उस टाइम PI के टाइम पे मेरा बस एक ही गोल था कि मुझे रोडीज जर्नी पे जाना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, एंड मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया था कि प्रिंस भाई फेवरेट है सबके, इवन मेरे भी फेवरेट थे उस टाइम पे, बट मेरे को वहां स्मार्टली खेलना था कि भाई मेरे को पहले जर्नी पे जाना है फिर मैं किसी भी गैंग में जाऊं. तो वहां पे मेरे ऊपर गौतम भाई ने बिलीव दिखाया था और बजर आगे किया था, और उन्होंने अच्छी बिडिंग भी करी थी मेरे लिए. तो फिर वहां हो गया था कि भाई नहीं अभी मुझे जर्नी पे जाना, और मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि भाई जर्नी पे पक्का लेके जाओगे ना तो मैं आपको चूज करूं, तो उन्होंने बोला था हाँ ये जबान का बंदा हूं मैं बोल रहा हूँ तो चलते हैं आगे. तो फिर वहां से गौतम भाई ने बिलीफ दिखाया था, बट थोड़ा जर्नी पे और बिलीफ दिखाते तो अच्छा रहता. जर्नी पे कहां से लगता है कि कब ऐसी सिचुएशन हुई थी, या फिर डे वन से ही वो पराक्रम को लेकर के बहुत प्रभावित थे, या फिर कब लगता है कि थोड़ा सा तुम लेफ्ट आउट सा फील करने लगे? नहीं, Day 1 पे भी मैंने बोला था गौतम भाई को कि भाई आपने मतलब इनको एकदम से लीडर बना दिया, कुछ बात बात कर लेते हैं कुछ, ऐसा क्या आप हम पे उतना बिलीव नहीं करते या ऐसा क्या है? उन्होंने बोला था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आगे तुम्हें चांस मिलेगा एंड हम देखते हैं आगे कैसे चीजें जाती. बट वो पराक्रम उनका एक, उनको, हाँ प्लीज बोलो प्लीज। एक जो उनका एक बना हुआ था ना कि पीयू पराक्रम, पीयू पराक्रम, तो वो बना ही हुआ था. और वही बात मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर वो देखेंगे कि MMA शो नहीं है ये, ना बॉक्सिंग शो है, ये रोडीज है, एज अ कंप्लीट रोडी अगर वो किसी को जज करते और देखते कि भाई कौन अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली उनका वो माइंडसेट चेंज होता और उनके फेवरेट्स भी चेंज होते. डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक छोटी जर्नी थी और खूबसूरत जर्नी थी, रोक के रखा तुमने भी, तुम भी वो एक हिस्सा हो जिसने जियो सिनेमा पे बहुत सारी पब्लिक को रोक के रखा। इस बार का शो तो ब्लास्ट था, जबरदस्त शो किया आप लोगों ने, और मुझे नहीं लगता कि किसी को पॉपुलैरिटी कम या किसी को ज्यादा मिली होगी। सीजन का हिस्सा बनने वाला हर वो इंसान इक्वलेंटली कामयाब हुआ है, जैसे कि तुम भी हुए हो। और थैंक यू इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए, आज जियो चैट पे भी आने के लिए। और तुम एक शानदार प्लेयर हो और आगे लिमिट्स और हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कई ऐसे रियलिटी शोज हैं जिनके अंदर कुछ अपना स्टैंड रखने वाले, फिर चाहे वो सबके साथ नहीं हो रहे हो, ऐसे लोगों की बहुत सारा जरूरत होती है। सो जियो सिनेमा पे हमारे साथ लाइव चैट पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिग्विजय। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिग्विजय। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होगा, कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक जबरदस्त शख्सियत के साथ। कल का इंतजार कीजिए, जियो सिनेमा सब्सक्राइब कीजिए। मनु पंजाबी। ओके, थैंक यू मनु भाई फॉर हैविंग मी, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड होप टू सी यू सून. ओके ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर। See you.